Today we are reviewing compact आंसर to बिग एंड bulky commercial कमर्शियल मशीन्स name is Subodh सुबोध रावत एंड वेलकम बैक टू चैनल तो सबसे पहले करते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं इस पैकेट के अंदर क्या है सो गैस दिस इज़ लैट एंड लिफ्ट पुलिस सिस्टम फ्रॉम लीव ए फिटनेस बेसिकली सुटेड फॉर होम जिम ओनर्स अगर आप भी घर पे वर्कआउट करते हो और मिस uh, करते हो कि जैसे जिम में हम वर्कआउट करते हैं मशीन वाले वर्कआउट्स वो मिस करते हो तो दिस इज योर सोल्यूशन क्या होता है हम बड़ी बड़ी मशीन्स घर में तो ला नहीं सकते बिकॉज ऑफ कॉस्ट एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ स्पेस तो क्या होता है कि हम क्या कॉम्पैक्ट सोल्यूशन ढूँढें तो उसके लिए आई वुड लाइक टू गिव थम्स अप टू लिव ए फिटनेस जो कि कुछ ऐसा लेके आ रहा है जिससे कि यू नो जो होम जिम ओनर्स हैं वो भी मिस ना करें जो वर्कआउट होते हैं जिम वाले मशीन वाले वर्कआउट वाले वर्कआउट मिस ना करें तो इसके अंदर हमें यह सब मिल जाता है ये हमारा वॉल माउंट फ्रेम और जिसमें कि हमें दो पूरी दे रखी है एक यहाँ पर है एक यहाँ पे है और इसी के साथ यहाँ पर एक केबल दी हुई है और केबल की क्वालिटी मुझे अच्छी लग रही है और साथ में दे रखे हैं लोड पिन बेसिकली इसमें यह है जो वेट प्लेट्स जो आपके ऑलरेडी पड़ी हुई हैं बम्पर प्लेट्स या फिर नॉर्मल पत्ती वाली प्लेट्स हैं वो भी इसमें लग जाएंगी सो so, इसमें आप प्लेट्स लोड करोगे और उसके साथ मिली हुई है हमें एक पुल बार और इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर दे रखे हैं हमें चार फास्टनर्स दे रखे हैं और ये फास्टनर हैं M10 के फास्टनर्स दे रखे हैं हमें यहाँ पे जो केबल दे रखी है केबल की दोनों एंड पे हमें हुक दे रखा है एक हुक पे तो हमारा लोड पिन लग जाएगा जहाँ पे वेट अटैच होगा और दूसरे हुक पे लग जाएगा हमारा पुल बार तो पुल बार है जहाँ से हम पुल करेंगे और हम वर्कआउट करेंगे तो अगर बात करते हैं सबसे पहले कंस्ट्रक्शन की तो हमारा जो वॉल माउंट फ्रेम है इसकी बात करें तो इसका कंस्ट्रक्शन हैवी ड्यूटी लग रहा है और इसके हम कोटिंग की बात करें तो यहाँ पर हो, हो रही है हमारी पाउडर कोटिंग हो रखी है जो कि इसको रस से बचाएगा और यहाँ पर दे रखी है लीवे की ब्रांडिंग और पुल बार की बात करें तो इसमें भी पाउडर कोटिंग दे रखी है और यहाँ पर साइड में दे रखी है ग्रिप जहाँ से कि आप लैट पुल डाउंस करोगे और अगर हम लोड पिन की बात करें तो यहाँ पे पाउडर कोटिंग यहाँ पे पेंट दे रखे हैं और इसमें बात करें तो नीचे यहाँ पे एक रबर से कवरिंग दे रखी है वो इसलिए दे रखी है जब आप इसमें प्लेट रखोगे तो फिर इसमें ताकि आवाज़ ना आए और साइलेंट हो इसका फंक्शन और जब ये नीचे लगेगा तब भी ये थोड़ा सा सेफ रखे आपके फ्लोर को और इस केबल की बात करें तो केबल की जो मुझे कंस्ट्रक्शन है ये स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वेट लेने वाला है और स्ट्रॉन्ग लग भी रहा है इसको यूज़ करके देखेंगे इंस्टॉल करने के बाद तब पता लगेगा कि कैसा ये यूज़ हो रहा है इसका फंक्शनलिटी कैसा है सो so, जब भी मैं ऐसा कुछ इक्विपमेंट का रिव्यू करता हूँ जो कि मोस्टली वॉल पे लगने वाला है तो उसका मैं ट्राई करता हूँ कि डायमेंशन ज़रूर बता दूँ कि उससे क्या होता है कि आपको क्लियर होगा कि आपके वॉल पे कैसा रहेगा आप प्लान कर सकते हो और उस प्लानिंग के बाद ही आप बाय कर सकते हो सो इसकी डायमेंशन की बात करें फ्रेम की जो कि हमारा वॉल पर लगने वाला है तो अगर इसकी बात करें जो ये वॉल पर ऐसे लगने वाला है ये स्ट्रेट तो फिर वॉल पे जो लगेगा उसका हाइट है 45.6 सेंटीमीटर टू बी प्रिसाइज और दीवार से हमारे वॉल से कितना दूर होगा उसकी बात करें तो दिस इज़ अराउंड 65 सेंटीमीटर तो 65 सेंटीमीटर आपके वॉल से दूर होने वाला है सो अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान अगर आपको ऐसे वॉल पे स्पेस है जहां पे आप लगा सकते हो और वीडियो के सेकंड पार्ट में हम इसको कंपेयर करेंगे डिकैथलॉन के पुलिस सिस्टम से पहले इसको करते हैं इंस्टॉल और देखते हैं कैसा लग रहा है सोगैस so, मेरा पुलिस सिस्टम फाइनली इंस्टॉल हो गया और कुछ ऐसा लग रहा है इसका फ्रेम और बात करते हैं फ्रेम के इंस्टॉलेशन की तो फिर इट ऑल डिपेंड्स ऑन आपके फैब्रिकेटर पे जो बंदा आपका ड्रिल कर रहा है जो इसको एक्चुअली में इंस्टॉल करेगा ड्रिल करके तो फिर वो कितने अच्छे से इसको ड्रिल करता है इसकी बात करें फ्रेम में कोई कमी नहीं है और इसके जो फास्टनर दिए गए उन्हीं फास्टनर से मैंने इसको इंस्टॉल किया है और बहुत ही स्टडी लग रहा है मुझे आई कैन एक्चुअली हैंग ऑन दी फ्रेम तो अब बात करते हैं इसको किस हाइट पर इंस्टॉल करना है तो किस हाइट पर इसको इंस्टॉल करना है वो ऐसे चेक कर सकते हैं तो जो आपके यहाँ पे दे रखा है स्टॉपर ये स्टॉपर इसलिए दिया हुआ है ताकि जो आपका यहाँ पे हुक है ये जब वेट इधर ऊपर जाए तो ये स्टॉप कर ले हुक ताकि यहाँ पे फंस ना जाए तो इसको क्या करना है आपको जो यहाँ पे हुक दे रखा है इससे वन फिंगर का डिस्टेंस यहाँ पे होना चाहिए उसके बाद आपकी जो ये वाली केबल है पूरी स्ट्रेच हो जाए विद द लोड पिन और लोड पिन जब आपका रेस्ट कर रहा है फ्लोर पे तो सबसे पहले लोड पिन में अपना वेट इंस्टॉल करते हैं तो मेरे पास ये बम्पर प्लेट पड़ी हुई है इसको मैं लोड पिन में लगा देता हूँ उसके बाद आपको क्या करना है आपको ये जो हुक दे रखा है इसको पूरा पुल करके इसमें फिट कर लीजिए तो बात करते हैं पुली की मूवमेंट की पुली का मूवमेंट स्मूथ और स्टडी लग रहा है ऐसा कुछ नहीं है कि फ्रिक्शन हो या फिर नॉइज़ हो जैसा कि हम जिम में मशीन का मूवमेंट होता है पुली का ठीक वैसा ही लग रहा है और पुली काफ़ी स्मूथ लग रही है और वहीं पे बात करें इस केबल की तो फिर केबल स्ट्रॉन्ग लग रही है मतलब अभी तो मैंने काफ़ी कम वेट लगाया है फिफ्टीन के सिर्फ इससे मैं और लोड करूँगा उसके बाद देखेंगे मूवमेंट कैसा फील हो रहा है यहाँ पर बट एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा जैसे आपने हुक निकाला अब आप इसको छोड़ दोगे तो ये आपके सर पर गिर सकता है तो मेक श्योर आप हुक को आप पकड़ के रखो या फिर आपने इसमें इसको रेस्ट कर दो कहीं पे तो मैं इसको साइड में रख देता हूँ तो बात करते हैं लोड पिन की लोड पिन में जो 50 एम mm वाली आपकी प्लेट्स होती हैं वो आ सकती हैं जिसका कि डायमीटर चौड़ा होता है और जो पतली डायमीटर वाली प्लेट्स होती हैं बेसिक प्लेट्स वो भी इसमें आ जाएंगी सो so, या yeah, पुलिस फीलिंग स्मूथ एंड स्टडी नो कंप्लेन एट ऑल तो ये जो स्टॉपर बॉल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें क्या है कि आपका कभी अगर हो गया आपने जर्क से छोड़ दिया तो फिर स्टॉपर बॉल ये रेजिस्ट करेगा ताकि ये यहीं पर रोक ले ये ज़्यादा आगे ना जा पाए एज यू कैन सी है सो इस स्टॉकिंग अबाउट लोडिंग कैपैसिटी जो लोडिंग कैपैसिटी मैंशनड है साइड पर वो है वन सेवेंटी फाइव एल बी एस यानी कि एट्टी के जी सो आई थिंक एट्टी के जी इज़ ए डिसेंट अमाउंट ऑफ वेट जो कि आप लिफ्ट uh, कर सकते हो वाइल्ड डूइंग लैड पुल डाउन में आपको ज़्यादा चिका तो एट्टी के जी आई थिंक ए गुड वेट जो आप uh, कर सकते हो पुल uh, डाउन करते हुए सो so बेसिकली आप इसमें अपर बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा मशीन वाले वर्कआउट्स कर सकते हो सो so हम करके देखते हैं सबसे पहले हम करते हैं बैक तो वर्कआउट करते हुए मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि जो पुली का मूवमेंट है वो काफी स्टर्डी है और बिल्कुल ही नॉइस फ्री है और काफी सही लगता है मतलब करते हुए स्टेबल लगता है बहुत गर्मी है बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है अब इसको करते हैं जल्दी से कंपेयर डिकैथलॉन के ट्रेनिंग पुली सिस्टम से और देखते हैं वो कहाँ स्टैंड करता है लीवे के पुलिस सिस्टम से तो जो नंबर वन डिफरेंस है वो ये है कि आपको लीवे के साथ मिल जाता है पूरा फ्रेम जिसमें कि आप ये पुलिस सिस्टम ऑलरेडी अटैचड है और उसके उसमें आप वर्कआउट करोगे बट जो डिकैथलॉन का पुलिस सिस्टम है उसमें क्या है उसमें सिर्फ आपको दे रखा है ये पुली दे रखा है कोई भी फ्रेम नहीं है तो कहां पर आप उसको लगाओगे आपको उसको लगाना पड़ेगा ऑलरेडी

बिल्कुल इस पुली नीचे रह के नीचे रहके भी वर्कआउट कर सकता हूँ सो डिकैथलॉन में क्या अगर सेम इसके बिल्कुल आप नीचे रहोगे तो आप वर्कआउट नहीं कर पाओगे आपको थोड़ा सा इसको पीछे आना पड़ेगा अगर आप ट्राइसेप डिप्स भी अगर आप ट्राइसेप्स भी कर रहे हो तब तो भी आपको ऐसे पीछे आना पड़ेगा ताकि आपको गैप मिल जाए बिटवीन द पुली पुलिस से बिल्कुल चिपक के आप नहीं कर पाओगे पुलिस से आपको दूर रहना पड़ेगा ऐसे और फिर आप वर्कआउट कर रहे हुए सो आई थिंक ये एक प्लस पॉइंट है लीवी के साथ कि आपको दो पुली मिले हुए तो आपको एक ज़्यादा डिस्टेंस मिल जाता है ओके नंबर थ्री जो डिकैथलॉन में आपको पुल बार मिलती है वो आपको छोटी मिलती है जो कि एक ट्राइसेप्स हो या बाइसेप्स के लिए हम जिम में यूज़ करते हैं वो छोटी वाली मिलती है और लीवी में आपको मिलती है बड़ी वाली पुल बार तो आई थिंक जो बड़ी वाली होती है वो ज़्यादा वर्सीटाइल होती है इसमें आप पुल डाउन लैट पुल डाउन करते हो कि आप ज़्यादा वाइड कर, तो कर सकते हो तो आप अपनी लैट्स में ज़्यादा अच्छे से वर्क कर सकते हो प्लस जो छोटी वाली जो बार होती है वो वाला काम तो कर ही सकता है जैसे कि ट्राइसेप्स या फिर बाइसेप्स के लिए सो आई थिंक दिस इज़ मोर वर्सेटाइल राइट नंबर फोर डिकैदान के पुलिस सिस्टम के साथ आपको एक नेट भी मिल जाता है और नेट के साथ हुक तो अटैच होता ही है तो होता क्या है जो ये इसमें लोड पिन है इसमें एक तो लोड पिन तो आपको मिलेगा ही उसके साथ आपको क्या मिलेगा कि आपको यहाँ पे एक नेट भी मिल जाएगा इन केस आपके पास आप प्लेट्स नहीं है तो उस नेट में आप क्या कर सकते ऐसा हो ऐसा नेट होगा और इसमें अटैच हो जाएगा तो नेट में आप बॉटल्स रख सकते हो आप सैंड रख सकते हो या फिर आप के पास डम्बल्स है कैटल बेल है तो फिर वो सब रख सकते हो और इसके साथ अटैच ऐसे हो जाएगा तो फिर आप वर्कआउट कर सकते हो तो इन केस किसी के पास क्या होता है कि प्लेट्स नहीं होती है वो ही जस्ट स्टार्टिंग ही और शीज जस्ट स्टार्टिंग और उसके पास पुलब बार है तो उसके साथ वो अटैच करके डायरेक्टली वर्क कर सकता है विदाउट दम्बर प्लेट्स ऑल्सो सो गज नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी प्राइस जो डिकैथलॉन का पुलिस सिस्टम है उसका प्राइस है फोर थाउजेंड आई थिंक जो मतलब जस्टिफाई नहीं करता है क्योंकि आपको फ्रेम भी नहीं मिल रहा है जो सबसे हेवी चीज़ है जो कि मतलब जस्टिफाई करता है कि आपका प्राइस क्यों है सो गेज दट सेट दैट सेट टू नाउ इफ एव एनी क्वेश्चन एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस पुलिस सिस्टम और एनीथिंग अबाउट योर होम जिम यू कैन आस्क मी डायरेक्टली इन दी कमेंट्स बिलो और मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो में टिल देन टेक केयर गुड बाय एंड एज ऑलवेज से स्ट्रॉन्ग माइंड स्ट्रॉन्ग बॉडी गुड बाय